प्राचीन भारत इतिहास, और उसमें नंबर दो पे हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। लेकिन उससे पहले जो कुछ टॉपिक था जो रह गया था उसके बारे में बात करें। हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो सिर्फ अग्निवीर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं, तो जहां जो जो कमी रहेगी उसको जो है उसको हम करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको इतिहास पढ़ रहे हैं, वो हम इतिहास सिर्फ अग्निवीर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। और उसी पॉइंट के मद्देनजर जो है हम लगातार जहां जहां आपका इंपॉर्टेंस होगा वही हम करेंगे। तो आपने आपके सामने बोला मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, सिर्फ यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नंबर दो पे। चाणक्य गुप्त चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री बने, और चाणक्य का नाम कौटिल्य भी था, विष्णुगुप्त भी था, और उन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या था? अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मुक्ति राजधानी राजगद्दी पर 322 में बैठे थे। चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त अंतिम समय कर्नाटक में शरणबेल गोला नामक स्थान पर बिताया था। और मैग्नस्थनीज सेकुलर सिंडिकेटर राजू थे जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त। मैग्नस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका था। क्या नाम था? इंडिका। यहाँ पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैग्नस्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी? इंडिका। किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त के दरबार में थे। चंद्रगुप्त सेकुलर सिंडिकेटर जो है वो उनके राजदूत था। मैग्नीत का मैग्नस्थनीज का जो सेकुलर सिंडिकेटर था वो राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटका में बिताया था। चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 में बैठे थे। उनके प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य था, और चाणक्य के दूसरे नाम जो थे कौटिल्य और विष्णुगुप्त थे। उन्होंने बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या था? अर्थशास्त्र। मौर्य वंश के संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला कॉन्सेप्ट है बिंदुसार। तो यहाँ पे आप देखें चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो था उनका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। और उन्हीं का नाम जो था चंद्रगुप्त टू जो था पड़ गया था। क्या नाम था? चंद्रगुप्त टू। और वहां पे अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता। तो बिंदुसार का दूसरा नाम जो है वो क्या है? अमित्र घात। क्या है? अमित्र घात। ये जो अमित्र घात है इनका दूसरा नाम था। आगे हम चले तो यहाँ पे हमारे बिंदुसार के आजीविका आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जैन धर्म में बिंदुसार की सेन कहा गया। क्या बोलते थे? सीएसएन। बिंदुसार का शासन काल तक्षशिला में दो विद्रोह हुए। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और अशोक को भेजा था। एथनीस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटिकस से मदिरा सूखे अंजीर एक दर्शन भेजने की प्रार्थना की थी। आगे हम चले तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक महान। कौन थे? अशोक महान। अगर बात करें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो अग्निवीर में ज्यादातर क्वेश्चन जो आए हैं वो मौर्य काल से आए हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जिसके पहले जो राजा थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में हम उसमें पढ़े। उसके बाद कौन थे? बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद कौन थे? अशोक। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुए। 269 में मगध की राजगद्दी पर बैठे। उन्होंने दो अभिलेख मास्की और गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। पुराना में अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है। इनके अभिलेख जो हैं वो 261 पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी को तोसरी का अधिकार किया। तो ये क्वेश्चन आ चुका है आर्मी में भी कि अशोक ने कब कलिंग पर आक्रमण किया? 261 ईस्वी में। भारत के शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। शिलालेखों में ब्रह्मी खरोष्टी ग्रीक अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। और इसको अशोक अभिलेख पढ़ने सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिसेस ने की थी। अशोक स्तंभ की लिखों की संख्या 7 है जो केवल ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक स्तंभ किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्रह्म लिपि में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। कौशंबी अभिलेख की रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ रमी देई और 7वें अभिलेख का सबसे लंबा है। और अगर इसकी बात करें प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया कामी कहलाता था। अर्थ शास्त्र के अनुसार गुच्छर को गूढ़ वर्ष कहा जाता। क्या कहा जाता? गूढ़ वर्ष। आप दो तीन चीजें यहाँ पे देखें कि अर्थशास्त्र में गुच्छर को क्या बोलते हैं? गूढ़ वर्ष। सरकारी भूमि को मौर्य काल में क्या कहते थे? सीता। क्या कहते थे? सीता। और मौर्य वंश के अंतिम जो शासक थे उनका नाम था बृहद। क्या था? बृहद था। ये यहाँ पे अगर बात करें तो अशोक जो थे बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन बने? अशोक बने। और उसके बाद जो है उन्होंने उनके अंतिम जो शासक थे उनका नाम था बृहद। क्या था? बृहद। उसके बाद बात करें तो शंकुवंश ब्राह्मण साम्राज्य का ये माना गया। और यहाँ से अब तक जो है आर्मी में क्वेश्चन जो है वो लगभग ना के बराबर है। लेकिन यहाँ के लिए पुष्यमित्र शुंग और मगध की शंकु वंश की नींव डाली ब्राह्मण जाति का था। और इसके बाद अगर बात करें तो कर्ण वंश। कौन सा वंश था? कर्ण वंश।
कर्णवंश में जो है कर्णवंश के अंतिम राजा कौन हुए? सुशर्मा। कौन हुए? सुशर्मा। और वासुदेव ने कर दी थी और मगध की गद्दी पर कर्णवंश की स्थापना की गई थी। उसके बाद है हमारे सप्तवाहन वंश। कौन सा वंश है? सप्तवाहन वंश। तो इसमें आप देखें यहाँ पे यवन राज्य, अगर यहाँ पे हम देखें तो भारत के यवन राज्य, भारत का सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डायमेट्रियस ने किया, मेंडाटर के नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की और भारत के सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंदू यूनानियों ने सबसे पहले भारत में सोने का सिक्कों का प्रचलन कब शुरू किया? किसने किया? तो वो किया किसने किया था? हिंदू यूनानियों ने। किसने किया? हिंदू यूनानियों ने। सबसे पहला आक्रमण जो है उस पर शक की बात करें, कौन आए? शक, यवन आए, फिर शक आए। तो शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे, चरगाह की खोज में भारत आए थे। उन्होंने उज्जैन के एक स्थानीय राजा शकों की पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। शकों के विजय के उपलक्ष्य में 2G ईस्वी में एक नए संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ जो अब तक चलता है। शकों का सबसे प्रतापी शासक जो था उसका नाम था रुद्रदामन। क्या नाम था? रुद्रदामन। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप। तो आ गया कुषाण। कौन आए? कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कड़ी फीसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्ठ था। कौन था? कनिष्ठ था। और इसकी राजधानी पुष्पपुर पेशावर जो अभी पाकिस्तान में है। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। अगर बात करें यहाँ पर तो इन्होंने शक संवत कनिष्ठ 17वीं शताब्दी पर और इन्होंने एक संवत चलाया जो कि शक संवत कहलाता है, जो अभी भी भारत में यूज किया जाता है। शक संवत क्या है? शक संवत। अभिक्रम शक संवत कनिष्ठ के राज्य वैद्य और विख्यात विद्वान चरक था जिससे चरक संहिता की रचना की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसके चरक संहिता के रचयिता कौन थे? चरक ऋषि। कौन थे? चरक ऋषि। और ये किस पर आधारित था? आयुर्वेद पर। किस पर था? आयुर्वेद पर। आयुर्वेद के सब बहुत बड़े ज्ञाता जिनका नाम चरक ऋषि था वो कृष्ण काल में आए थे। कृष्ण काल में थे और वो राज्य वैद्य थे। क्या थे? राज्य वैद्य। महाभिभीषण सूत्र में रचनाकार वसुमित्र थे, बौद्ध धर्म के विशेषक, विश्वकोश कहा जाता था उनको। भारत का आइंस्टाइन, ये क्वेश्चन दैट इज इंपॉर्टेंट, कनिष्ठ के राज कवि अश्वघोष ने बुद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। तो किसने बुद्ध चरित्र की रचना की? उनका नाम था कनिष्ठ के राजकवि अश्वघोष ने। किसने की थी? अश्वघोष ने। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, यानी भारत का भी कोई आइंस्टीन था उसे का क्या कहा जाता है? नागार्जुन। किसको जाता है? नागार्जुन को। उसके बाद कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। गंधार शैली मथुरा शैली का विकास कनिष्ठ के शासन काल में हुआ था। आगे बात करें तो यहाँ पे आता है गुप्त साम्राज्य। तो पहला क्वेश्चन जो कई बार आर्मी के पेपर में आ चुका है, कई बार अग्निवीर के पेपर में आ चुका है, जिसे ट्रांसफर करके गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। कौन थे? श्री गुप्त। गुप्त का प्रथम सम्राट सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था जो गद्दी पर बैठा। गुप्त वंश की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। समुद्रगुप्त के आर्यवर्त के 9 शासकों, दक्षिणवर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण भारत का एम्पोरियम कहा जाता है। तो आप याद रखें जो सेकंड क्वेश्चन दैट इज सो इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में आ चुका है कि भारत का एम्पोरियम किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और ये जो है आप देखें यहाँ भी चंद्रगुप्त है, वहां चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, तो ये फर्क है इनमें। और उसके बाद जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था जिसने इलाहाबाद को प्रशासनिक लिपि रचना की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त ने विक्रमंक उपाधि धारण की थी और इसे कविराज भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कविराज। आगे हम पढ़े तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन थे? चंद्रगुप्त दो। क्या थे? चंद्रगुप्त दो। उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त दो हुए जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त दो के शासन काल में चीनी बौद्ध फायन भारत आया। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया कि चंद्रगुप्त दो, यानी चंद्रगुप्त दो का मतलब है समुद्रगुप्त। क्या नाम है? समुद्रगुप्त। उनके समय में चीनी यात्री फायन भारत में आया। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त दो ने चांदी के सिक्के चलाए। किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? समुद्रगुप्त ने, जिनका नाम था समुद्रगुप्त दो। क्या था? समुद्रगुप्त दो, सॉरी चंद्रगुप्त दो। क्या था? चंद्रगुप्त। वहां देखे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय में दो विश्वविद्यालय थे, नालंदा और तक्षशिला, और ये बिहार में है। तो अगर आप देखें भारत में बहुत विदेशों के बहुत ज्यादा लोग जो थे भारत में पढ़ने आते थे और ये इन दो विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। अंतिम गुप्त शासक जो था भानुगुप्त का। कौन था? भानुगुप्त। पहली बार किसी ने सती होने का प्रमाण दिया तो भानुगुप्त की
एरन अभिलेख से मिलता है। गुप्त सम्राट वैष्णव दल के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त दो के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। तो ये भी कई बार आता है कि कालिदास किसके शासनकाल में थे, तो कालिदास थे चंद्रगुप्त दो के शासनकाल में। कौन थे? कालिदास। कौन थे? कालिदास। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखी गई, जो संसार का सबसे प्रचलित ग्रंथ माना गया। एक बहुत बड़ा बहुत बार क्वेश्चन आया गुप्त काल में विष्णु शर्मा ने, एक विष्णु शर्मा जी थे, उन्होंने पंचतंत्र लिखा। क्या लिखा? पंचतंत्र। और ये आर्मी में बहुत बार एक क्वेश्चन आ चुका है कि पंचतंत्र की रचना किसने की। तो गुप्त काल में, ये किस काल में थी? गुप्त काल में। कहां पे था? गुप्त काल में विष्णु शर्मा ने ये किताब लिखी थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। गुप्त काल की राजकीय भाषा जो प्राकृत थी। गुप्त काल का भारतीय इतिहास स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये भी बोला जाता है कि किस युग को स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल। उसके आगे आ गया वर्धन वंश। तो वर्धन वंश में अगर मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन जो सब लगातार यहाँ पे आता रहा वो ये आता रहा कि हर्ष और पुलकेशिन टू के बीच नर्मदा तट पर युद्ध हुआ था। और ये जो है अब कहां पड़ता है? इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में है, पुष्यंत वंश की। लेकिन एक क्वेश्चन जो लगातार पेपर में आया वो था चीनी यात्री हवेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया। तो यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन है जो लगातार अग्निवीर पेपर में आता रहा कि चीनी यात्री हवेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हवेन सांग यात्रियों के राजकुमार नीति पंडित वर्तमान शाकमुनि कहा जाता है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और उसके बाद कादंबरी की इन्होंने रचना की। तो क्वेश्चन आता है कि हर्षचरित और कादंबरी की रचना किसने की? बाणभट्ट। किसने की? बाणभट्ट। प्रियदर्शनी रत्नावली नागानंद नामक तीन संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना की। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हर्ष को हिंदू सम्राट कौन, किसको हिंदू अंतिम सम्राट कहा गया? तो उनका नाम क्या था? हर्ष। क्या था? हर्ष। पुरुष कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। क्या बोलते हैं? चाट या भाट। इसी के चलते अगर हम करें दक्षिण भारत की हम बात करें, तो ये तो उत्तर भारत था, अब दक्षिण भारत में चलते हैं। दक्षिण भारत में पल्लव वंश के संस्थापक जो सहिष्णु कौन थे? सिंह विष्णु। कौन थे? सिंह विष्णु। और यहां से अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे जो सिर्फ सिंह विष्णु यहां तक था, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। कौन थे? दंती दुर्ग। और यहाँ पे एलोरा, अब बात चली है एलोरा गुफाओं की। अब बात करें एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। सबसे बढ़ता है एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। कई बार चुका है एलोरा, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और वहां पे एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है कैलाश। क्या है? कैलाश मंदिर। और इसमें राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था, राष्ट्रकूट भी इसको बोलते हैं। अंतिम महान शासक राष्ट्रकूट थे। चालुक्य वंश, चालुक्य वंश की अगर बात करें पेपर ऑफ पॉइंट व्यू से, तो विक्रमादेव चरित्र की रचना विहलन ने की थी। सिर्फ इतना सी बात है यहाँ पे, चालुक्य वंश जो है जयसिंह के प्रतापी वंश की स्थापना जिसकी राजधानी वातापी थी। कौन सी थी? वातापी। तो आगे हम चले यहाँ पे, तो हल्का सा क्वेश्चन है चोल वंश। क्या है? चोल वंश। तो चोल वंश के अंतिम राजा राजेंद्र प्रसाद तीन थे और इनकी राजधानी जो थी तांजय थी। क्या थी? तांजय। और यहाँ पहले यादव वंश, कौन सा वंश है? यादव वंश। ये भी आपके लक्ष्य देवगिरी की, यादव वंश की स्थापना बिल्लव पंच ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। कौन सी थी? देवगिरी। और इनके अंतिम राजा थे रामचंद्र। कौन थे? रामचंद्र। आगे हम चले तो गंग वंश। तो दक्षिण भारत से बहुत कम क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। और इसी के चलते जो है आगे जैसे है सीमावर्ती राजवंश का अपडेट। तो यहाँ से लगभग मैं अगर बात करूं पेपर ऑफ पॉइंट व्यू से, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि हम इसको छोड़ते हुए आगे चलें। और अगला जो टॉपिक है दैट इज मध्यकालीन भारत। क्या है? मध्यकालीन भारत। अब चलते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में जो क्वेश्चन जो आते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बात करें हम सिर्फ अग्निवीर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उसी के मद्देनजर टॉपिक हम लेके आ रहे हैं और बिल्कुल कम थोड़ा थोड़ा हम वहां पे पढ़ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले मध्यकालीन भारत में भारत पर अरबों का जो आक्रमण हुआ उसके बारे में है। हम आपको बता दें कि बड़े शॉर्ट इन फॉर्म में वन लाइन, पहले कंटेंट पढ़ेंगे फिर वन लाइनर पढ़ेंगे और लास्ट में रट्टा मारेंगे। रट्टा ज्यादा देर टिकता नहीं है इसलिए बड़ा नजदीक से करेंगे। तो वहां तक भारत के जो सबसे पहला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में आता है वो है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। तो सबसे पहला आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद जो है यहाँ पर भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था।
नंबर दो पे था महमूद गजनी, अल्प गीर नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। महमूद गजनी सुबुक गीन का पुत्र था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 927 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनी ने भारत पर सतार आक्रमण किए। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनता है पेपर ऑफ पॉइंट व्यू से, तो ये बनता है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितने आक्रमण किए? 17। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी? जयपाल की। महमूद गजनी सबसे चर्चित आक्रमण 1024 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण जो था 1027 में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 में हो गई थी। इसमें अरब रून फिरदौसी उत्वी फरूक महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो फिरदौसी किसके दरबार में रहता था? महमूद गजनी के। ये क्वेश्चन पेपर में आया है कि महमूद गजनी दरबार में कौन रहता था? फिरदौसी। कौन रहता था? फिरदौसी। उसके बाद बात करें तो मोहम्मद गोरी क्या था? मोहम्मद गोरी। 1173 में शाहबुद्दीन मोहम्मद गोरी का शासक बना। इससे भारत का पहला आक्रमण गोरी गौर का शासक बना और इन्हें पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया। मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 में हुई। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मोहम्मद गोरी जो है सबसे पहला युद्ध तराइन का पहली लड़ाई जो था 1191 में लड़ी और जो थी गोरी और पृथ्वीराज के बीच थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। तराइन की द्वितीय लड़ाई जो थी गोरी और पृथ्वीराज के बीच हुई, जिसमें गौरी विजय हुआ। चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, जिसमें गोरी और जयचंद के बीच लड़ाई हुई, जिसमें युद्ध जो जीता गौरी ने जीता। किसे जीता? गौरी ने। अगले बात करें तो आगे जो है वह है सल्तनत काल। अब सल्तनत काल में 1206 में लगभग जो है गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो उनके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। वो गोरी का गुलाम था। कौन था वो? गोरी का गुलाम। तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आता है कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली, ये संशय वाला क्वेश्चन है, वो आर्मी में नहीं आता है। कार्बन 40 की सहायता से ये डेट इसकी कोलैबोरेट की जाएगी, ऐसा वैज्ञानिक जो है वो कहते हैं। दिल्ली का कुवत अल इस्लाम मस्जिद अजमेर की ढाई दिन का झोंपड़ा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि अजमेर का ढाई दिन का झोंपड़ा कहां पर स्थित है? तो वो कहां पर स्थित है? अजमेर में। कहां है? अजमेर में। ढाई दिन का झोंपड़ा कहां पर है? अजमेर में। ये क्वेश्चन यहां से पेपर में आ चुका है। और आगे हम बात करें तो यहां पर जो है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला एवक सहायक सेनानायक, तो एक बहुत बड़ी जो भारत के लिए ही बहुत बड़ी खामी थी। शायद अगर वो चीजें ना होती हुई, अगर वो नहीं होता, उन्होंने लूटपाट की वो चलो मान लिया, सब कुछ किया उन्होंने मान लिया, लेकिन जब उन्होंने हमारे जो सोर्स ऑफ नॉलेज थे उन पे आक्रमण किया और इस व्यक्ति ने उस पे आक्रमण किया, इस हरामी राजा ने उस पे जब आक्रमण किया तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया और उनकी किताबों को जलाया। और लगभग 3 महीने तक वो किताबें जलती रही, इतनी ज्यादा ग्रंथ इन्होंने वहां पे जलाए। ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई और इसे लाहौर में दफनाया गया। इतनमिश तुर्किस्तान के तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। अब ये जो था इतनमिश पहला शासक था जिसने 1230 बगदाद के खलीफा के सुल्तान पद को वैधानिक किया। इतनमिश की मृत्यु जो है 1236 में। ये क्वेश्चन है यहाँ अगर मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू करें तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, रजिया बेगम मुस्लिम पहली महिला थी। तो पहली महिला बेगम, पहली प्रथम मुस्लिम महिला जो बेगम थी उनका नाम क्या था? रजिया सुल्तान। क्या था? रजिया सुल्तान, जिसके शासनकाल में उन्होंने बागडोर संभाली। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 में हुई। आगे है बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। तो यहाँ पे अगर मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो क्वेश्चन आता है गुलाम वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? तैमूर। क्या था? तैमूर। लेकिन क्वेश्चन आता है गुलाम वंश के प्रथम शासक का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बात करें खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश की स्थापना की। और इनमें यहाँ से अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ पे जो है बाजार प्रणाली दक्षिण भारत का विजय अलाउद्दीन मालिक का फूट को भेजा। और यहाँ पे अब तक एक भी क्वेश्चन जो है जब से हम तैयारी करवा रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर आए हैं। तो अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलें, तो जो अगला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो है आपका सकेती फिरोज तुगलक जो है उन्होंने जाजिया कालून। तो ये क्वेश्चन आता है जहां पे बात करें मोहम्मद बिन तुगलक
किसके शासनकाल में जो था जजिया जो था वो लिया जाता था, फिरोज तुगलक ब्राह्मण पर जजिया लागू किया, और जजिया क्या था वो एक तरह से जितने भी ब्राह्मण भारत में थे वो जो जनेऊ लगाते थे उनको कर देना पड़ता था, क्या देना पड़ता था कर देना, और जजिया कर जो था इन्हीं शासकों ने तब के समय में लगाया था। इससे सैन्य पदों का वंशानुगत बना दिया, इससे चांदी तांबे के मिश्रित से निर्मित भारी सिक्के संख्या में जारी करवाए गए और उन्हें विख कहा जाता था, क्या कहा जाता था विख। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 में हुई और तैमूरलंग ये सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो भारत पर इतने लंबे समय से लगभग 2000 वर्ष की गुलामी के बाद भी भारत की एक चीज नहीं मिटाएगी, भारत की सभ्यता संस्कृति और जो इनका जो सनातन जो धर्म था वो नहीं मिटा, उसकी जो पैर थी उसका जो गुड़ था वो DNA में था कहीं ना कहीं, और आज भी पूरे भारत पूरे विश्व में भारत के लोगों को सबसे ज्यादा आशावादी माना जाता है। आगे हम देखें गुलरुखी शीर्षक में फारसी कविता लिखने वाले सुल्तान सिकंदर लोदी थे, और इनके बाद जो था गले की बीमारी कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया था, इस युद्ध में वो मारा गया था, अगर बात करें आगे विजयनगर साम्राज्य की, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो आर्मी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू है वहीं से हम पढ़ रहे हैं अग्निवीर को देखते हुए, तो उसमें जो है ज्यादातर क्वेश्चन कहां से बनते हैं हम उसी के ऊपर यहां पे बात कर रहे हैं। तो आगे देखिए हम तो बहमनी राज्य जो है यहां से भी लगभग क्वेश्चन जो है ना के बराबर रहा है तक। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जौनपुर, जौनपुर की स्थापना किसने की फिरोज शाह तुगलक, किसने की फिरोज शाह तुगलक। कश्मीर साहूदेव नामक एक हिंदू 1301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। यहां से एक बात क्लियर होती है, जहां कश्मीर की अगर बात करें तो इतिहास की भी अगर हम बात करें, जब कश्मीर मुद्दा आता है तो भारत जब आजाद हुआ तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा मुद्दा रह गया जो आज तक भारत को जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता जा रहा है और पाकिस्तान अपना जो है उस पर अपना अधिकार जताता रहता है। यहां आप देखिए इतिहास में सीधा सीधा लिखा है साहूदेव नामक एक हिंदू राजा ने 1301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की और 1349 में कश्मीर में शाहमीर द्वारा मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था जो शामी से शाहमीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। हिंदू मंदिरों मूर्ति को तोड़ने का कारण सुल्तान सिकंदर को बुद्ध शिकन कहा गया, जिस कारण उसको बुद्ध शिकन कहा जाता था। आगे बात करें बंगाल पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह ने किया, ठीक है। तो मालवा की जिसकी हम बात करें तो मालवा जो है दिलावर खान ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र प्रांत घोषित किया। पंजाब में है मालवा, गुजरात अब यहां पे देखिए हल्का सा गुजरात है, गुजरात में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा ने गुजरात के सूबेदार जफर खान को माना गया। और अगर बात करें यहां सिर्फ एक क्वेश्चन है, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था महमूद बेगड़ा, कौन था महमूद बेगड़ा। आगे है मेवाड़ की राजधानी क्या थी, सिर्फ दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसी पे बात करें तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है मेवाड़ की वो थी राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी। विजय स्तंभ कहाँ पर है तो वो है चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पे है चित्तौड़गढ़ में, ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद अगर बात करें खानवा का युद्ध तो 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था जो काफी मशहूर रहा था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। तो खानवा युद्ध कब हुआ 1527 में, जब हम युद्ध जो भारत के प्रसिद्ध युद्ध होंगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे, वहां इसकी विस्तृत जानकारी हम देंगे। 1526 में हल्दीघाटी का युद्ध राणा प्रताप अकबर के बीच हुआ, तो हल्दीघाटी का युद्ध भी कई बार पेपर में आ चुका है और ये 1576 में हुआ था, और हल्दीघाटी का युद्ध जो था राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। उसके बाद मेवाड़ की राजधानी क्या है ये पेपर में आ चुका है, तो मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी चित्तौड़गढ़, क्या थी चित्तौड़गढ़। उसके बाद बात करें हम सूफी आंदोलन, तो जो लोग सूफी संतों के शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था, सूफी जिन आश्रम में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। तो अगर आप बात करें कि जहां पे बहुत जो ज्यादातर चीजें मानेगी कैसे एक जैसे माना गया है कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, यानी कि भगवान के कहते हैं कि भगवान का अलग अलग नाम है लेकिन भगवान एक है, ऐसा माना जाता है और ऐसा बोला जाता है। इसी के चलते अगर आप देखें तो इसमें जो है सूफी संतों की शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था, क्या बोलते थे मुरीद। जैसे बोलते कि सूफी सूफियत की बात ये करते हैं
तो ख्वाजा मुशीदीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। क्या था? अजमेर। आज भी लोग ख्वाजा मुजीदीन चिश्ती पर चादर चढ़ाने वहां पे जाते हैं। हमारे मुस्लिम भाई तो जाते हैं, हिंदू भाई भी बहुत वहां पे जाते हैं। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया था, बाबा फरीद, जिनके बारे में जो है इनके बारे में जो बाबा नानक के जो ग्रंथ है, जो ग्रंथ साहब है उसमें भी इनकी इनके बारे में है, बख्तियार काकी, शेख बुराहुद्दीन गरीब और बाबा फरीद, बख्तियार काफी काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचना है गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। किसमें है? गुरु ग्रंथ साहिब में। कहते हैं साडे वालों कुत्ते चंगे, वो कहते थे कि साडे वालों कुत्ते चंगे, ऐसी काफी उन्होंने जो है रचनाएं की है। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन सादिक थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुख्य शिष्य शेख सलीम चिश्ती थे, अमीर खुसरो भी थे। कौन थे? अमीर खुसरो। शेख बुराहुद्दीन गरीब ने 1340 में दक्षिण भारत के क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद का मुख्य केंद्र बनाया। उसके बाद अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन ऊपर कहा आपको कि नक्शबंदी धर्म संघ सिलसिला की स्थापना किसने की? उबैदुल्लाह ने। किसने की? उबैदुल्लाह। तो इसके बाद अगर हम चलें थोड़ा आगे चलें तो यहाँ पे हम देखें तो आगे हम पढ़े तो आगे है हमारे पास भक्ति आंदोलन। क्या है? भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई थी और भक्ति आंदोलन जो था उसका विकास 12 अलवर वैष्णव संतों ने, निरसठ नयार शैव संतों ने किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों के विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा चार मतों की स्थापना की गई। तो उन्होंने वहां पे कितने मतों की स्थापना की? चार। आगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो लगातार पेपर आता रहा वहां फिर पेपर जो आता रहा मुगल वंश का भी आता रहा। मुगल साम्राज्य की फिर स्थापना हुई। उसके बाद जब मुगल साम्राज्य भारत में आया तो लगभग कितनी ईस्वी थी? 1526। क्या था? 1526। 1526 और 30 में बाबर का जन्म 1483 में हुआ। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है। कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए और बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। ये बहुत ही हैरानी वाली बातें हैं कि बाबर कहां से जो था युद्ध करने वाले व्यक्ति, किसी को मार काटने वाले व्यक्ति, अपने आप को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को कैसे उदारवादी कहा जा सकता है? जो व्यक्ति किसी अन्य देश की सीमाओं पर जाते हैं वहां वो शोषण करते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा काट फाट शोषण करते हैं, लालच की दृष्टि से कहते हैं, तो फिर कैसे ये लिखा जा सकता है कि उन्हें कलंदर की उपाधि उनकी उदारता के लिए दी गई? खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन आया कि गाजी की उपाधि किसको मिली? बाबर को। प्रथम प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा में अवार आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। काबुल में इनको दफनाया गया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बाबर नामा किसकी आत्मकथा है? बाबर की। और ये किसमें लिखी गई है? फारसी भाषा में। अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखी थी। बाबर की मुबई यान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। अब आ जाते हैं हुमायूं। तो बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं को आगरा में सिंहासन पर बिठाया गया। चौसा का युद्ध बहुत कई बार पेपर में आ चुका है। चौसा का युद्ध 25 जून 1549 में शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें शेर खां जो है वो विजयी रहा। उसके बाद कन्नौज का युद्ध 1540 में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई। फिर उसके बाद जो है बीरग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया और उसने 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शाह सिकंदर को पराजित किया और पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तीन बना भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं जी हमारे ऐसे मरे। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आज से पहले आप तो थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ। हम भी अगर बात करें जब हम पढ़ते थे तो हमें ऐसी चीजें पढ़ाई जाती थी जिनका कोई ठीक है हिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर इतिहास पता नहीं हो, इतिहास एक ऐसा ज्ञान है जिससे हम अपने शौर्य और अपनी गलतियां और अपने जो अनुभव होते हैं उनसे सीखते हैं और अगला जो जीवन है उसे जीते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जो यहाँ पे थी वो बिन बात के पढ़ाई जा रही थी, यानी कि बिना तथ्यों से आधार पर ही उन्हें पढ़ाया जा रहा था बड़े लंबे समय से, जिन्हें बाद में स्टॉप इट किया गया। तो शेरशाह
अभी जो इनको शेरशाह सूर साम्राज्य का संस्थापक जो था कौन है? शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। देखो आप ये लगातार पढ़ रहे हैं, कभी एक गद्दी पर बैठ रहा है कभी दूसरा कभी एक बैठ रहा है कभी दूसरा। बहुत जल्द हम अभी 15वीं ईस्वी में हैं, अभी लगातार जो है आगे पढ़ेंगे। शेरशाह का मकबरा सासाराम की झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। शेरशाह की भूमि माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज सन ठंडी का प्रयोग किया। यहाँ अगर बात करें तो क्वेश्चन आता था बार बार कि शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई ना कि बनाया, लेकिन पहले क्वेश्चन ये भी आता रहा कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया, तो वो नाम आता था शेरशाह का। किसका आता था? शेरशाह का। अकबर की बात करें, उसके बाद शेरशाह के बाद कौन आया? अकबर। अकबर को कहा गया कि ये 1542 में हमीदा बानु बेगम के गर्भ से अमरकोट में राणा वीर साल के महल में पैदा हुआ। अकबर का राज्यभिषेक जो है कनौर कलानूर नामक स्थान पर हुआ। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू ने लड़ी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पानीपत की लड़ाइयां, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई थी। मक्का का तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान का नामक युवक बैरम खान की हत्या कर दी गई, ये उसी दौरान हुआ। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ और इसमें मेवाड़ के शासक जो थे महाराणा प्रताप अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजय हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जो हमें नहीं पढ़ाई गई, जिसके हम बार बार इसकी बात करते हैं, महाराणा प्रताप बहुत ही यशस्वी और बहुत ही दिलेर बहादुर एक राजा थे। और महाराणा प्रताप जो थे 80 किलो का भाला लेके चलते थे और उनके जो कवच था वो भी 100 किलो के लगभग करीब था और इतने वो बलशाली थे। उनकी वीर गाथाएं ये नहीं बताते हैं। महाराणा प्रताप ने जिस युद्ध की ये बात कर रहे हैं, ये जो युद्ध है ये सामने से नहीं लड़ा गया था, ये धोखे से लड़ा गया था, लेकिन इसकी पूरी हकीकत नहीं बताई जाती है। और महाराणा प्रताप को जो था धोखे से जो था उनकी मृत्यु की गई थी, ना कि सामने से उनको हराया गया था। गुजरात विजय और अकबर जो था महाराणा प्रताप से बहुत डरते थे, और तो महाराणा प्रताप के घोड़े और हाथी से भी डरते थे, इतने यशस्वी और बहादुर थे महाराणा प्रताप। तो ये चीजें हमें नहीं पढ़ाई गई। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यही सर्वप्रथम समुद्र को देखा। दीने लाई किसने लिखे, किसने इसकी रचना की थी? अकबर ने। किसने की? अकबर ने। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अकबर ने क्या किया कि धर्म बनाया और उस धर्म में उसने नाम दे दिया दीने लाई। क्या दे दिया? दीने लाई। और इसमें अंतिम शासक जो था बीरबल था। दीने लाई को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था? बीरबल। बीरबल बहुत तेज था, बीरबल हिंदू राजा था और दिमाग का धनी था, वो सनातन को मानता था। लेकिन जब देखो जिसकी राजा उसकी प्रजा, तो जैसी सरकार थी वैसा उन्होंने काम किया अपने समय में। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन। क्वेश्चन पेपर में आया है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अकबर के दरबार का चित्रकार कौन था? अब्दुल आबुद ससमद। कौन था? ससमद। और यहाँ पे अकबर शासनकाल के प्रमुख गायक कौन थे? तानसेन। कौन थे? तानसेन। बाबा रामदास भी थे और बैजू बाबरा भी थे। बैजू बाबरा बहुत ही प्रसिद्ध उच्च कोटि के संगीतकार हुए। अकबर के शासन प्रणाली में विशेषता मनस बदारी प्रथा थी और इनकी मृत्यु जो थी जो 1605 में हुई थी, आगरा के निकट इन्हें दफनाया गया। तो अगर बात करें हम यहाँ पे तो इनके जो नवरत्न थे, नवरत्न में अब्दुल फजल थे, फैजी था, तानसेन था, बीरबल था, टोडरमल था, राजा मानसिंह था, अब्दुल रहीम था और फकीर अजीउद्दीन था, मुल्ला दो प्याजा था। अब्दुल फजल ने अकबर नामा ग्रंथ लिखा। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है कि अकबर नामा किसकी कथा है? अकबर की। किसने लिखी? अब्दुल फजल ने। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ जो ब्राह्मण परिवार में थे। इनका असली नाम था राम तनु पांडे। कंठा भरण उपाधि जो दी गई थी वो दी थी तानसेन को। किसने दी गई थी? तानसेन को। तो ये तो थे पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया था? अब्दुल फजल। किसने किया? और पंचतंत्र किसने लिखी थी? विष्णु गुप्त ने। किसने लिखी थी? विष्णु गुप्त। और गुप्त काल में लिखी थी और इसमें जो इसका अनुवाद जो किया गया फारसी में वो किसने किया? फिर दोस्ती ने। किसने किया? अब्दुल। किसने किया था? अब्दुल फजल। हाँ, अब्दुल फजल। फिर दोस्ती ने नहीं किया था। किसने किया था? सो गया क्या? सोए हैं। अकबर काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। ऐसे बोला जहांगीर। लो जी आप आ गए, उसके बाद अकबर के पास कौन आया? जहांगीर। जहांगीर का जन्म 1569 में हुआ। वह अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है।
नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा ग्यास बेग की पुत्र नूरजहां का वास्तविक नाम महिरुन्निसा था। सर्वप्रथम जहांगीर ने त्योहार के अवसर पर मनरसा को देखा, सुंदर के मुग्ध होकर जहांगीर ने इसका विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल में नूरजहां की उपाधि दी। नूरजहां की माँ असमत बेगम गुलाब इत्र निकालने की विधि खोजी थी। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसको कहा गया जहांगीर के समय में। जहांगीर के अकबर मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम्स फिच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए। जहांगीर के समय में ही जो थे अंग्रेजों ने एंट्री कर दी थी। अंग्रेज आ गए थे भाई साहब हालचाल पूछने, तो सबसे पहले उन्होंने किसका हालचाल पूछा था? जहांगीर का। किसका पूछा था? जहांगीर। किसका पुत्र था? अकबर का। अकबर किसका पुत्र था? हमायूं। किसका पुत्र था? बाबर का। किसका था? बाबर का। तो यहाँ पे जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें हम, तो ये तो जहांगीर थे। अब यहाँ आ गया शाहजहां। क्या आ गया? शाहजहां। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताज महल का निर्माण कराया, जिसकी कब्र पर ऊपर करवाया था। ये क्वेश्चन अब जो है एक कहानी बन गया है, क्योंकि इतना बड़ा जो था साइंटिफिक वे से अगर बात की जाए तो इतना बड़ा महल बनाया गया। उसके बाद इन्होंने कहा था कि लाखों मजदूरों के हाथ काट दिए गए, लेकिन वो मजदूर कहां गए किसी को पता नहीं। तो ये भी अब क्वेश्चन जो है, लेकिन फिर भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। और इसके बाद जो था मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। और शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था, जो मोटी मोटी बात है यहाँ पे। और उसके बाद इनके जो पुत्र का नाम था, शाहजहां के पुत्र का नाम क्या था? औरंगजेब। क्या था? औरंगजेब बड़ा क्रूर राजा था, ठीक है, बहुत क्रूर राजा था ये। और ये सुन्नी धर्म को मानता था और उसे जिंदा पीर कहा जाता है। आज भी देखो सुन्नी और शिया में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, ठीक है। तो ये चीजें उस समय की चली हुई है जब से ये जो था औरंगजेब था। उसके बाद हम बात करें तो अब आता है मराठा। क्या आता है? मराठा। मराठा के साम्राज्य संस्थापक शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी। ये क्वेश्चन आता है कि मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? शिवाजी। दोस्तों इतने वीर और बहादुर राजा थे शिवाजी कि जिनके बारे में मैं जितना बताऊं कम है। और यहाँ पे सिर्फ कुछ ही लाइनें जो है इतनी बड़ी बड़ी किताबों में हमारे जो भारतीय इतिहास है उसमें बहुत ही कम इनके बारे में बताया गया है। महाराजा जो शिवाजी थे, इन्होंने तो लास्ट में जो सबसे बड़ा ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान भी जो इन्होंने प्राप्त कर लिया था, लेकिन मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे, जिनका जन्म 6 अप्रैल 1627 को शिवेनपुर दुर्ग में हुआ। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी के गुरु कौंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास के काफी प्रभाव था। उनके जो अध्यात्म गुरु थे वो थे रामदास। कौन थे? रामदास। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ में अपनी राजधानी बनाई। शिवाजी ने सूरत में 1664 में 1669 में इसको लूटा। उसके बाद पुरंदर की संधि महाराजा जय सिंह शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। 5 जून 1674 को शिवाजी रायगढ़ वाने से प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा राज्य अभिषेक करवाया गया। सिर्फ इतना सा ही इतिहास उनका आता है, लेकिन मराठों में उनका नाम आज भी बड़े सम्मान से याद किया जाता है। पूरे भारत में शिवाजी का नाम बहुत ही गर्व से लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने इनकी माँ बहनों के प्रति बहुत बड़ी जो थी इज्जत के प्रति ये बात करते थे, और एक बहुत ही मतलब सुदृढ़ राजा के रूप में ये जाने जाते हैं। उसके बाद है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। अगर आप बात करें तो अब आ गया थोड़ा सा आधुनिक भारत। कौन सा भारत आ गया? आधुनिक भारत। अगर सम्राट अगर बात करें उत्तरकालीन मुगल सम्राट, यहाँ पे भी आधुनिक भारत की हम बात करें तो मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली और अब्दुल खान को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। शाहदार लंपट मूर्ख कहा जाता है, शाहदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। और यहाँ पे पेपर फाइट से बात करें तो यहाँ पे सुंदर युक्ति के प्रति अधिक रुझान जो मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह माना जाता था। उसके बाद ईरान के सम्राट नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था, जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां बनाया हुआ तख्त काउस और कोहनीर लेकर फारस लौट गया। नादिर शाह 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया एक जो था तख्ते काउस और कोहिनूर हीरा जो भारत का था वो साथ में ले गया।
तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था मोहम्मद शाह था। दैट इज इंपॉर्टेंट कि अंतिम जो मुगल बादशाह जो माना गया वो क्या था, मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली में हुई जिसमें मराठों की हार हुई। बहादुर शाह जो अंतिम मुगल शासक, सॉरी बहादुर शाह में थोड़ी, क्योंकि अगर उसके बाद थोड़ा सा था बहादुर शाह दो जफर अंतिम मुगल शासक सम्राट था। कौन था? अंतिम मुगल शासक सम्राट था। क्योंकि ये तो कह रहा है कि तख्ते ताऊस पर, वो तो था तख्ते ताऊस पर बैठने वाला, लेकिन उसको तो नादिर शाह ले गया। उसके बाद कहता है कि 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेजा गया। यहां पर दोस्तों जब 1857 की बात आती है, जब 1857 की बात आती है, स्वतंत्रता की बात आती है, तो वहां कहीं ना कहीं जब भारत की बात आई, इन लोगों ने एक लंबे समय जो है लगभग 1500 वर्षों के करीब करीब इन मुगलों ने, विदेशियों ने भारत पर लगातार आक्रमण किया। और जब नए आक्रमणकारी भारत में आए तो सबसे पहले अगर कोई लोग भागे तो यही लोग भागे और ये लोगों का नस्ती नबूत हो गया। तो वहां से शुरू हुआ फिर यूरोप। क्या शुरू हुआ? यूरोप। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन हो गया और यहीं से कहानी शुरू हो गई। इस्तारा में 1498 को बासगोडी गामा भारत में पश्चिम तट पर आया और कारीगट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत यूरोप के बीच ने समुद्री मार्ग खोज की। वास्कोटी का माने समुद्री, समुद्र के जो रास्ता था वो इसने खोजा था और भारत के साथ उसने वहां पे जो था लेन देन और जो है व्यापार है वो वहां से शुरू हो गया था। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए थे, यानी भारत में तब यूरोप से सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली भारत में आगे 1505 में। और 1509 में अल्फांसो अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली का वायसराय बना। पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यवसाय कोठी कोचीन में खोली। कहां खोली? कोचीन में। पुर्तगाली के बाद भारत में कौन आए? डच। कौन आए? डच। तो पुर्तगाली आए, फिर कौन आया? डच। डचों ने क्या किया? डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री डाली 1605 में। 13 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। यानी 1600 के करीब जो था वहां पे एलिजाबेथ ने यहां पर अपनी कंपनी खोली। मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉक्स था और जेम्स प्रथम की राजदूत अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में गए। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। 1611 में समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मूसलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी डाली। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी। यहां से सबसे ज्यादा कहानी शुरू होगी कि सूरत में भी उन्होंने वहां पे बिजनेस करने के लिए कह दिया। 1615 में सर थॉमस रॉ को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा मद्रास पट्टे पर लिया और 1687 में पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत हटाकर बॉम्बे किया गया। बंगाल के शासक शाह शुजा ने प्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं थे। भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कोठी फ्रैंको केरो द्वारा सूरत 1668 में स्थापित की गई। 1674 में फ्रांसीसी मार्टिन पांडिचेरी की स्थापना की। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी भी फ्रांसीसियों से छीन लिया और फिर हुआ यहां से बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। सबसे पहले अंग्रेजों ने कहां आधिपत्य किया था? बंगाल में। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका मुर्शिदाबाद स्थापित की और 20 जून को 1756 में काल कोठरी में त्रासदी नामक घटना घटी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में अंग्रेजों ने सोनीपत रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। यहां से टर्न हुआ था भारत की गुलामी का, अंग्रेजों द्वारा भारत की गुलामी का काल शुरू हुआ और यहां पे उन्होंने बंगाल पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। बक्सर का युद्ध भी जो था, ये युद्ध जो है इंपॉर्टेंट है, बक्सर का युद्ध भी 1764 में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ जिसमें अवध के नवाब शाहजुद्दौला और मुगल सम्राट शाहजहां आलम द्वितीय के बीच हुआ। दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है कि भारत जब गुलाम हुआ, अंग्रेजों ने उसको गुलाम किया, तो वहां पे ये कहा गया कि भारतीय जो थे वो लड़ाई नहीं लड़ते थे, हिंदू लड़ाई नहीं लड़ते थे। अरे जब यहाँ शासक ही मुगल थे तो वो लड़ाई कैसे लड़ते? और इन्होंने वो लड़ाई लड़ी और ये लड़ाई में लगातार हारते गए। अंग्रेजों ने मैसूर में हैदर अली का शासक था, हैदर अली का जो पुत्र था टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका था
कि हैदर अली का तुर्क टीपू सुल्तान उसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान की मृत्यु आंगल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी 1799 में। उसके बाद बात आती है उसी काल में सिख समुदाय की, तो लगभग जो है अगर उसी के चलते अगर बात करें तो उसके साथ जो संबंध है उसके बारे में हमने बात की। उसके बाद आ गया सिख संप्रदाय की स्थापना, श्रेय गुरु नानक प्रथम को कहा जाता है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना की। गुरु नानक जी ने 1547 में करतारपुर में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन गुरु लिपि गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु आनंद ने किया था। गुरु अर्जुन ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। बहुत बार एक क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। और उसके बाद जो है राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर को 1606 में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था, तो उनकी हत्या करवा दी। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। तो यहाँ पे हरगोविंद सिंह जी ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने शीशगंज गुरुद्वारे के निकट मरवा दिया था। सिखों के दसवें गुरु अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए, जिनका जन्म 1666 में पटना में हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा बादशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 करार अनिवार्य किए। सिखों को केश गंगा कृपाण कच्छा कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने के लिए कहा। 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? खालसा पंथ। पाहुल प्रणाली शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नादेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी थी। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे हम चले तो आगे जो है वो चलता है कंपनी के अधीन गवर्नर। अब चली कंपनी का राज। अब भारत में कंपनी का राज आ गया। अब कंपनी के राज में रॉबर्ट क्लाइव, इसने बंगाल के द्वैत शासन की व्यवस्था की और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र को 2 दीवाना बंगाल मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा शिताब को नियुक्त किया। वॉरेन हेस्टिक, भारत में कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिक हुआ। वॉरेन हेस्टिक ने में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया और अपने कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष और बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बन गया। इसमें राजकीय कोषागार में मुशीतावा से हटकर कलकत्ता लाया गया। आगे हम चले तो यहाँ पे 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। और इसी समय 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र, तो भारत का पहला समाचार पत्र है जिसका नाम क्या है? द बंगाल गजट। क्या था? बंगाल गजट। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। आगे आता है लॉर्ड कॉर्नविल्स, 1786 से 1805 तक ये रहा। इसके समय में समस्त अधिकारिक लेटर हाथों में दे दिए गए और भारत की नागरिक सेवा का प्रथम जनक कहा जाता है। कॉर्नविल्स को भारत में नागरिक सेवा का प्रथम जनक कहा जाता है। सर जॉन शोर जो है इसके हस्तक्षेप नीति अपनाई, मतलब अपने जो भी इसने अपनी नीतियां अपनाई उसके कारण ये फेमस रहा। उसके आगे जो आ रहा लॉर्ड वेलजी, इसके सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। इसी समय टीपू सुल्तान के चौथे आलंग मैसूर युद्ध में मारा गया था। इसी ने 1800 में कलकत्ता में नागरिक सेवा भर्ती की। युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए पोर्ट ग्रेम कॉलेज की स्थापना की। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, ठीक है? ये क्या बोलता था? बंगाल का शेर। वेलजी कौन बोलता था? वेलजी। सर जोन वॉर्लो, ये 1805-07 में था। लॉर्ड मिंटो जो है इसी समय चार्टर एक्ट, एक चार्टर एक्ट होता है कि किसके समय में पास हुआ चार्टर एक्ट, उसका नाम आता है लॉर्ड मिंटो। आगे है लॉर्ड हेस्टिंग, इस समय पिंडारियों का दमन किया गया। इसी समय 1882 एक फिल्म आप देखेंगे, अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी पिंडारियों के ऊपर और वो जो है इसी कहानी के ऊपर है। इसी समय 1822 में टैक्स एक्ट और कष्टकारी अधिनियम लागू भी किया गया था। लॉर्ड हेमस्टर्ड, इसके समय में आंगला बर्मा युद्ध लड़ा गया जिसमें बैरकपुर सैन्य से विद्रोह हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये जो है 1828 से 35 तक मद्रास का गवर्नर था। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक हुआ। अब ये बहुत बड़ी बात है, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, पूरे भारत का।
पूरे भारत का जो था गवर्नर जनरल जिसे माना बनाया गया उसका नाम था लॉर्ड बेंटिंक विलियम, क्या था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है। और यही राजा मोहन राय को सती प्रथा का समाप्त करने का श्रेय दिया गया, और इसके बाद जो है इन्हीं के लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में ही ऐसा हुआ। बेंटिंक कर्नल सलीमन की सहायता से एक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। सन 1835 में बेंटिंक कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, इसने शिशु बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। अगर बात करें सती प्रथा तो आपको दोस्तों जानकर हैरानी होगी, भारत की जो सती प्रथा थी वो इन्होंने उसको बदनाम किया बाद में, लेकिन जब भारत जो था गुलाम नहीं था तब के समय में सती प्रथा क्या होती थी, जब किसी औरत का जो पति होता था वो गुजर जाता था तो उसे एक अपने आप में एक ऑप्शन होती थी, या तो वो पति के साथ चली जाती थी या तो फिर वो संन्यास धारण कर लेती थी, और उसे सबसे ज्यादा उच्च जो सबसे ज्यादा सम्मान से देखा जाता था उच्च उनको उसी नजर से देखा जाता था, और उन्हें मंदिर जितने भी जो हमारे आसपास के जो मंदिर होते थे हमारे समाज में उन मंदिरों में वो रहती थी, और उन्हें एक बहुत ही उच्च विद्वान नजर से लोग देखते थे, उन्हें सती कहा जाता था। और अन्यथा अगर ऐसा औरत के मन में ना हो तो अपने ही मन अनुसार जो थी अपने पति के साथ ये जीवन त्याग देती थी, उसे सती प्रथा कहा जाता था। बाद में इस सती प्रथा में रूप धारण हुआ, लोगों ने इसका दुरुपयोग किया और बहुत ही तरीके से इसे हिंदू सभ्यता को तोड़ने का एक जरिया बनाया गया कि लोग इतने ऐसा बताया गया कि हम बहुत ही करूब लोग थे लेकिन ऐसा नहीं था। और जहां तक अगर दूसरी बात भी हम करें, इसी गुलामी के दौरान जो था जो ऊंच नीच का भेदभाव किया गया उसी के दौरान था, उसे अगर बहुत ही पीछे चला जाए तो ऐसा वहां पे नहीं था। आगे हम चलें तो बेंटिंक ने कर्नल सलीमन की सहायता से इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी रोक लगाई। उसके आगे देखें चार्ल्स जो है आगे थे चार्ल्स मेटा मेटकॉफ, क्या थे चार्ल्स मेटकॉफ, इनकी अगर बात करें यहाँ पे तो लॉर्ड ऑकलैंड से पहले कौन थे चार्ल्स मेटकॉफ 1735 से 1736 तक, इन्होंने प्रेस पर नियंत्रण आया इसलिए भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कहा गया। ऑकलैंड कलकत्ता 1836-1842 में दिल्ली ग्रांट रोड की इन्होंने मरम्मत करवाई, और उसके बाद है यहाँ पे लॉर्ड एलिन बेरो दास प्रथा का उन्मूलन इसी समय हुआ। लॉर्ड हार्डिंग इस नर बलि की प्रथा को प्रतिबंध किया था। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे तो बड़े कम क्वेश्चन आए, अन्यथा अन्य पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लॉर्ड डलहौजी तो यहाँ पे जब 1837 की क्रांति हुई तो तब जो थे भारत के गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी को भारत का रेलवे का जनक कहा गया, तो भारत रेलवे का जनक किसे कहा गया, लॉर्ड डलहौजी को। 1853 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ, भारत में पहली डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ। तो भारत में पहली डाक टिकट का आरंभ कब हुआ था 1854 में, कब हुआ इसने शिमला की ग्राशी, और इसने लॉर्ड डलहौजी ने ही शिमला को ग्रीष्म काल राजधानी बनाया था। इसी समय भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की। डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का प्रयास भी किया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक पुंजा में, जिसके हम क्रांति की बात कर रहे थे, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय जो था। अब यहाँ पे देखो ये पहला वायसराय तो था भारत का, लेकिन एक जो गवर्नर जनरल बार बार बना रहे थे अंग्रेज, तो उनका जो अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का वो था लॉर्ड कैनिंग, क्या था लॉर्ड कैनिंग, लेकिन भारत का प्रथम वायसराय भी यही था। इसके समय में 1853 में जो विद्रोह हुआ था कैनिंग के समय इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ, कैनिंग के समय ही विधवा पुनर्विवाह हुआ और व्यक्तिगत सिद्धांत यहाँ पे हुए। आगे लॉर्ड एगेन, अगर बात करें इसने वैवाहिक आंदोलन का दमन किया। लॉर्ड लॉरेंस की बात करें तो ये जो थे चैम्बल बेल हेनरी के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का इन्होंने गठन किया था। लॉर्ड मेयो ने अजमेर मेयो कॉलेज की स्थापना की, और लॉर्ड नॉर्थ बुक ने बंगाल का भयानक अकाल पड़ा था इनके टाइम में। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी समय हुआ था, एक कूका आंदोलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था पंजाब में, कहा हुआ पंजाब में। आ गया था लॉर्ड लेलिन, तो जो उनके समय में जो हुए लॉर्ड लेलिन, तो यहाँ पे हम देखें कि ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया, दिल्ली के दरबार में आयोजन किया गया। और 1878 में लिटल ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों को कठोर प्रतिबंध लगा दिया। लिटल ने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। लॉर्ड रिपन
रिपन के बारे में बात करें तो लॉर्ड रिपन प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और स्थानीय शव शासन की शुरुआत की। भारत में पहली जनगणना किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने। किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन। भारत की पहली जनगणना लॉर्ड रिपन ने 1872 में करवाई थी और 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। इन्होंने फ्लोरेंस इंस्टल रिपन को भारत का उदारक की संज्ञा भी दी गई। उसके बाद देखें 1884 से 88 तक लॉर्ड इरविन रहे और इन्होंने जो थे 28 दिसंबर 1885 को एयर ओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। दैट इज ये बहुत बड़ा मजाक था आज की भी। 1885 में भारत ने एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम कांग्रेस रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और उस किसने बनाई थी? ए ओ ह्यूम ने। किसने बनाई थी? ए ओ ह्यूम ने। वही कांग्रेस जो थी उसी कांग्रेस में बाद में जो है हमारे लोग भारतीय लोग भी जुड़े और वो आगे से आगे चलता रहा। लेकिन बहुत बड़ी बात थी कि तब के टाइम में तो विपक्ष था ही नहीं, तो यही थे इन्होंने बनाई राजनीति करने के लिए और इन्होंने उसको कार्य निर्माण किया। लॉर्ड लैसन डाउन भारत अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड, जो डुरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच, वो किसने बनाई थी? लॉर्ड लैसन डाउन ने। उसके आगे आ गया आपका लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की और कर्जन जो है वो जो है बंगाल के विभाजन के रूप में जाना जाता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड मिंटो 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। साथ में क्या हो गया? कांग्रेस का विभाजन, ठीक है, और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मिंटो मार्ग सुधार अधिनियम के द्वारा की गई। इन्होंने खुद ही भारत के लोगों को आपस में लड़ा दिया था। लॉर्ड हार्डिंग 1910 और 15 के बीच अगर देखें तो राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली के भव्य स्वागत हुआ, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली। और 1911 में ही क्वेश्चन ये कई बार आता है, 1911 में ही जो कलकत्ता थी भारत की राजधानी वो अब क्या बन गई? दिल्ली। इसके समय में बनी थी लॉर्ड हार्डिंग के समय में। इसी समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ भी हुआ था। क्या हुआ था? 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और यहाँ पे इसी काल में इनका जो देखें तो रॉल एक्ट जो है 1919 में ही आया था और इसी काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड, बहुत ही भयानक ये हत्याकांड यहाँ पे हुआ था, जो किसने किया था? जनरल डायर ने। लॉर्ड रीडिंग और वहां पे जो भारत का जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या था, ये वायसराय, क्या था? वायसराय। लॉर्ड रीडिंग 5 जनवरी 1922 को घटी चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 में चितरंजन दास मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके काल में प्रिंस ऑफ वेल्स को नवंबर में भारत की यात्रा की और मोपला विद्रोह भी 1921 में हुआ। और यहां से लॉर्ड इरविन 26 से 31 तक लॉर्ड इरविन रहा। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत में आया और 1930 में गांधी जी द्वारा संघ के आंदोलन की प्रारंभ किया गया। कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये सारे काम का हुए लॉर्ड इरविन के टाइम में। लॉर्ड वेलिंगटन 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकलोड मैकडॉनल्ड विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इन्होंने भारत को तोड़ने का इन्होंने प्रयास किया, यहाँ पे सांप्रदायिकता के रूप में हिंदू और मुस्लिम के बीच खाई इन्होंने डाल दी। उसके बाद लॉर्ड लिथनी को 1 मई 1947 सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। 1949 में क्या किया था? सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी बनाई थी। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया। 1942 को क्रिप्स मिशन भारत में आया। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया महात्मा गांधी ने। 1943 में भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड वेवेल जो थे शिमला समझौता किसने करवाया था? लॉर्ड वेवेल ने। और कैबिनेट मिशन 1946 की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन, ये आता है क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कि मार्च 1947 से जून 1948 तक जो भारत का जो वाइसराय था, यानी जो था वो भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन हुए। कौन हुए? लॉर्ड माउंटबेटन। बड़ी बड़ी मजेदार बात है, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो जाते हैं, ठीक है, और 1948 तक ये बंदा हमारा जो है वो प्रथम गवर्नर बना रहता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? माउंटबेटन। कौन था? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर के रूप में जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए।
यानी कि अंतिम भारतीय गवर्नर, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भारतीय गवर्नर जनरल जो था स्वतंत्रता में, वो कौन थे? स्वतंत्र जब हुए थे माउंटबेटन थे, और उसके बाद कौन हुए थे? जनरल भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपाल चारी, ठीक है, तो राजगोपाल चारी थे।